नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WS न्यूज, मैं विजय खौसे। आज रवि भवन स्थित भवन में वंचित बहुजन आघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के जो सचिव है डॉक्टर सुधीर फुलझिले, इन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में जो विधान किया उसके ऊपर ही यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं तमाम जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के युवक यहाँ पर आए हैं। अब युवकों से ही जानेंगे, जो सुधीर फुलझिले ने जो विधान किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो नातू है, प्रोपत्र है, इन्होंने अपनी लोकप्रियता सिद्ध करना चाहिए, वो उन्होंने खासदार बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, तब जाके हम उन्हें दीक्षा भूमि के जो धम्म दीक्षा समारोह होता है उसमें बुलाएंगे। मगर ये जो खबर है पूरे सोशल मीडिया पे करीब 2 दिन से पूरी वायरल हो रही है, उसी को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है वो रोष व्यक्त किया है, वो निषेध व्यक्त किया है और 8 तारीख को दीक्षा भूमि के गेट पर ये आंदोलन करने की इनकी तैयारी। तो हमारे साथ में युवक है, हम इनसे ही जानना चाहेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो परिवार है, जो फैमिली है, उनको दीक्षा भूमि के समारंभ में बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नागपुर में दीक्षा ली और महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज दौर चल रहा है बीजेपी का, उस दौरान अभी बीजेपी का लग रहा है कि ये चाटू लोग हैं जो भी हैं, वो RSS और इनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा बोलना ये है कि हमारा हक है, अंबेडकर फैमिली हमारा हक है, अंबेडकर फैमिली का हक है, उनका दीक्षा भूमि को उनमें उनको बुलाना चाहिए था। निश्चित और भी हमारे साथ में कार्यकर्ता है, वंचित बहुजन पार्टी के युवा है, आप क्या बताएंगे? जो ये जो मामला हुआ है, ये जो खबर फैल रही है, क्या आप क्या बताएंगे? आम्ही नक्कीच सुधीर फुलझिले यांचा निषेध करतो, कारण ते जे सांगत आहेत की एक क्रायटेरिया असते आणि एक प्रोटोकॉल असते तिथल्या त्या स्टेजवर बोलवण्याचा, तर मला असं वाटते की बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे नातू आहेत तर त्यांच्यासाठी काय क्रायटेरिया लागतो, मला विचारायचं आहे त्यांना की या वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून 42 लाख मतदान ज्या बाळासाहेब आंबेडकरांनी या महाराष्ट्रात घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतरही कोणती लोकप्रियता त्यांना सिद्ध करायची आहे, सिद्ध करून दाखवायची आहे? आणि ज्याप्रमाणे मुंबईची जी आपली चैत्यभूमी आहे, ते चैत्यभूमी भारतीय बौद्ध महासभा सांभाळत आहे, त्याचप्रमाणे या दीक्षाभूमीचा सुद्धा या दीक्षाभूमीचा कारभारसुद्धा भारतीय बौद्ध महासभेने सांभाळावा अशी आमची मागणी आहे। निश्चित बाळासाहेब आंबेडकर की लोकप्रियता जो है महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं तो पूरे देश के अंदर में है, मगर समिति कहती है कि लोकप्रियता नहीं है, आप क्या बताएंगे? देखिए, एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर रहे या फिर भीमराव साहब आंबेडकर रहे, संपूर्ण आंबेडकर परिवार हमारे लिए एक श्रद्धा का स्थान है। उस श्रद्धा के स्थान के बारे में, बाबा साहब के पोते के बारे में अगर से ऐसा बोला जा रहा है कि वो लोकप्रिय नहीं है, तो फिर ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक विषय है। हमारी भावनाएं, अभी हम सभी युवा यहाँ पे शामिल है, हमारी भावनाएं जिस दिन भड़क जाएंगी, वो चाहे आज रात को भड़के या फिर सवेरे, तो हम 8 तारीख का राह देखेंगे नहीं। उस दिन रात के 12 भी बजे और रात के आधी रात को भी हमारे को लगेगा कि नहीं, सुधीर फुलझिले को अभी जाब पूछने को होना। बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के ऊपर में, अम्बेडकर परिवार के बारे में अगर से ऐसे दलाल लोग जो RSS के हस्तक है, ऐसे लोग अगर से भाषण ऐसी बयानबाजी करेंगे तो हम कतई ये चीज़ें सहन नहीं करेंगे। निश्चित रूप से और भी हम मिलेंगे। दीक्षा समारोह जो है ये कल 5 अक्टूबर को दीक्षा भूमि के मैदान पे लाखों अनुयायियों के साथ में होगा और वहाँ पर जो है खास करके मैं बताऊँगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया है। उसी के ऊपर में एक सवाल था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो वंशज है उनको भी बुलाना चाहिए, मगर उसी के ऊपर से विवाद हो गया। आपको क्या लगता है, ऐसे अगर जो लोग यहाँ पर बुलाते हैं तो समाज के लिए वो क्या मैसेज देंगे? समाज के लिए मैसेज यानी देखिए, जैसा 6 लोग अनुयायी ने बुद्धिज्म जो अपनाया,
बुद्ध धम्म की जो दीक्षा ली है बाबा साहब के नेतृत्व में ली है पहली बार, तो अपना एक कर्तव्य बनता है कि उनके जो वंशज है उनको पहला प्रस्ताव वहाँ दिया जाए। चाटुकारिता करते हुए फुलझेले ने, फडणवीस हो गए, गडकरी, इनको पहला प्रस्ताव दिया गया जैसा आंबेडकर जी ने आज प्रस्ताव दिया था उनको, तो वो रिजेक्ट किया है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो गेम प्लान है बहुत बड़ा, जैसा आप एक अंदाज ले सकते हो 2010 के दशक में जो अन्ना हजारे आया था, जिस तरीके से बीजेपी सरकार बैठी है उस तरीके से कहीं ना कहीं ये दीक्षा भूमि के खंडन के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे संघ का बैठना इनके कहीं ना कहीं नेतृत्व में आ रहा है कि जैसी कोई पद मिल जाए उसके वजह से ये चलने का आरंभ चल रहा है। निश्चित रूप से और भी हमारे साथ में जो है वंचित बहुजन, हाँ बोलिए। और इस तरीके से फुलझेले का मैं निषेध करता हूँ, जिस तरीके से हमारे भाई ने बताए थे 8 तारीख की हम राह नहीं देखेंगे, हम चाहे तो आज रात में भी जा सकते हैं या अभी भी जा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से जो है जो जो मंत्री है, जो भी मंत्री रहते हैं महाराष्ट्र या देश के, उनको तो निमंत्रण रहता ही है, चाहे वो किसी पक्ष हो, वो तो लीगली है, उन्होंने उनको बुलाना भी चाहिए। मगर जो आंबेडकर जी को जो है उन्होंने नहीं बुलाया है, उसके ऊपर में आपका कहना क्या है? सर्वप्रथम मी सुधीर फुलझेले ज्यांनी हे वक्तव्य केले आहे त्यांच्या मी निंदा करतो, निंदनीय हा घटनाक्रम आहे, आणि आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलनही करणार आहोत। मला हे म्हणायचे आहे की सुधीर फुलझेले तू जो बोलत आहेस की आंबेडकर घराण्याला म्हणजे पॉप्युलर किंवा म्हणजे हे होण्याची गरज आहे, तर खरंच तुझी पॉप्युलरिटी तेवढी आहे का जेवढी आंबेडकर घराण्याची आहे? आणि आज त्या दीक्षाभूमीचे जे स्मारक आहे ते म्हणजे बाबासाहेबांनी घेतलेल्या तिथं दीक्षा कार्यक्रमाच्या मुळे तिथं ती दीक्षाभूमी तयार झालेली आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने ती समिती तयार करण्यात आली आहे। निश्चित रूपचे मैं आपको बताऊं, आप वकील ॲडव्होकेट जी, क्या ऐसा है संविधान में ऐसा कहीं आपने पढ़ा है कि जो है वहाँ पे मंत्री रहेंगे या खासदार रहेंगे तभी उस समारोह को बुलाएंगे, या मंत्री खासदार नहीं है तो उनको हम बुलाएंगे, कुछ ऐसा है? देखिए ये जो प्रोग्राम है ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। पहली बात तो हमने दीक्षा ली, हमने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया, वो हमारे बाबा साहब के वजह से किया। ये पॉलिटिकल सिनेरियो इसको ना क्रिएट किया जाए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वहाँ पॉलिटिकल लोग आए या है ऐसा हो, यहाँ पॉलिटिकल लोग नहीं आना चाहिए ये क्लियर है, और इनको बुलाना एक पॉलिटिकल स्टंट है ये क्लियरली दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, आप क्या बताओगे बताइए? आम्ही जे फुलझेले साहेबांनी जे काही वक्तव्य केलं त्याचा आम्ही 100% आंबेडकरवादी जे आम्ही सर्व लोक आहोत तो निषेध करतो। त्यांनी पहिल्यांदा आपली लोकप्रियता आणि ते सिद्धता करून दाखवा की त्यांनी पहिल्यांदा आमदारकीला उभं राहून स्वतःच्या भरोशावर निवडून यावं, कोणाचाही सपोर्ट न घेता, तेव्हा त्यांना म्हणून ज्या बाबासाहेबांनी एवढं मोठं कार्य केलं आपल्याला एका म्हणजे तुच्छ लेखणाऱ्या व्यक्तीला आज आपण मानसन्मानानं आपण जगण्याचा अधिकार दिला, त्या कुटुंबाबद्दल तुम्ही असे वक्तव्य करता हे अशोभनीय आहे। मी त्याचा निषेध। मेरे साथ और भी वंचित बहुजन आघाडी के युवा कार्यकर्ता है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, जो भी जो स्मारक समिति के सचिव ने कहा है क्या उसके ऊपर में आपका बयान है? जो स्मारक समिति का जो सचिव है सुधीर फुलझड़ी, मेरे हिसाब से तो फुलझड़ी है, 2 मिनट के लिए फड़फड़ाई और शांत हो गई, पर उसने समस्त महाराष्ट्र की जो जनता है, बुद्ध समाज की जो जनता है, उनके दिल में अभी आग लगा दी है, क्योंकि जो स्मारक समिति दीक्षाभूमि के अंदर में जो गलत काम कर रही है वो अभी लोगों के नज़रों में आ गया है। जिस प्रकार से उसने नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और वो कौन है तो वो कविता करने वाला नहीं, क्या बोलते उसको, आठवले पाठवले, उसको उनको बुलाया, और उसका कहना ये है कि जनता में से चुन के आए बाड़ा साहेब, उसकी औकात नहीं है ऐसा बोलने की, वो खुद एक नगर सेवक नहीं बन सकता और वो बाड़ा साहेब के ऊपर ब्लेम कर रहा है। नहीं, मंत्रियों को बुलाना तो ये तो प्रोटोकॉलिच है, क्योंकि पहला निमंत्रण मंत्रियों को देना चाहिए, वो उनका वो बराबर है, मगर अंबेडकर के ऊपर में जो टिप्पणी की है उसके बारे में क्या बताएंगे? नहीं वो बात बराबर है, मंत्रियों को बुलाना चाहिए, पर उसने कहा ना कि जनता में से चुन के, वो आठवले कौन सा जनता में से चुन के आया, बाड़ा साहेब तो 3 बार खासदार रह चुके हैं,
और उसकी जो ये जो टिप्पणी है ना, ये सरासर बहुत ही बहुत गलत है, क्योंकि इतने दिनों से जो स्मारक समिति के अंदर जो कारभार कर रहे हैं वो अभी खुलने वाला है उसका कुछ दिनों में, और आज जो युवा है जो क्रांतिकारी चळवळी का आंबेडकरवादी चळवळ का जो युवा है उसके लिए आंबेडकर घराना एक श्रद्धा का स्थान है, और बाड़ा साहब के ऊपर उसने जो उंगली उठाया वो उसके लिए उसको 8 तारीख को हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से बताएंगे। और ऊपर से कहने वाली बात यह है कि जो सुधीर फुलझेले है वो अपने बाप की गद्दी पर जाके बैठा है, क्योंकि स्मारक समिति में कौन सा आदमी कैसे जाएगा ये आज तक किसी को पता नहीं, जो जनता में से स्मारक समिति में भी जनता के अंदर से आदमी चुन के जाना चाहिए जो बौद्ध समाज का हो, जिसे बौद्ध परंपराएं मालूम हो, और वो मनुवादी विचारधारा का आदमी बीजेपी का बाहुला बन के बैठा है। आंबेडकरी चळवळ में बाड़ा साहब का आंबेडकर का नाम बहुत ऊंचा है, उनको लोकप्रियता सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने 2019 में फिर से एक बार दिखा दिए कि आंबेडकर के सिवा आगे की राजनीति नहीं होने वाली है, चाहे समाज कारण हो, धर्म कारण हो या राजकारण हो, बाड़ा साहब आंबेडकर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। और जो उसका ये जो कारोबार है आने वाले दिनों में दीक्षा भूमि के अंदर से हम उखाड़ फेंकेंगे और वो फुलझड़ी को बुझा के रहेंगे, और यहाँ का आज का युवा कार्यकर्ता, वंचित बहुजन आघाड़ी का युवा कार्यकर्ता है, ये आग हमारे दीक्षा भूमि में जो कार्यक्रम, इसके वजह से हम अभी तक चुप हैं, नहीं तो हमारा आंदोलन कल ही होने वाला था और उसकी फुलझड़ी की फुलझड़ी हम कल ही बंद करने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है, कल भी बहुत अनुयायी रहेंगे, अगर हमारे अंदर की आग शांत नहीं बैठी तो कल ही हम उसका विरोध कर सकते हैं वहाँ पर सुधीर फुलझेले का जो भी होगा वो, और उसके हिसाब और उसके कहने के माफी कि आंबेडकर घराने के ऊपर जो उसने टीका टिप्पणी की है, हमारे हिसाब से वो स्मारक समिति हटाना चाहिए और भारतीय बौद्ध महासभा को दीक्षा भूमि सुपुर्द करनी चाहिए। से जो है यहाँ पर जो सभी लोग जो वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा थे उनका एक ही कहना पड़ा है कि जो भी दीक्षा भूमि पे समारोह होता है उस समारोह के स्टेज पर कोई पॉलिटिशियन नहीं रहना चाहिए, ना कि मंत्री भी नहीं रहना चाहिए, जो भी वहाँ पे जो धम्म बौद्ध भिक्षु है उन्होंने रहना चाहिए। और जो फुलझेले ने जो कहा है उसका निषेध किया है, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंच है ये धम्म का मंच है, और धम्म के मन से धम्म का ही प्रचार होना चाहिए, न कि किसी पार्टी का। जो बयान दिया गया है उसका यहाँ के वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने निषेध किया है, और 8 तारीख को दीक्षा भूमि के गेट पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति के जो सचिव है उनके खिलाफ में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो आंदोलन करने वाले है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें। जय भीम।